अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। सुबह तक खा के चटनी आज मैं ऐसे फट फट पा दी आज के मोमो टूट गए। वेल फ्रेंड्स, हमारे बिग बॉस सीजन 13 की फेवरेट कंटेस्टेंट मोमो इज बैक अगेन एंड आज मोमो सपोर्ट करने के लिए आए हैं विकास गुप्ती को। मोमो को लगता है विकास गुप्ती जो है वो दूध का धुला हुआ है। लगता है विकास गुप्ती ने मोमो को भर भर के स्टारबक्स में डोनट्स एंड यू नो स्टारबक्स की कॉफी, फ्रापचिनो, कैपचिनो, टॉल, ग्रैंडी, लार्ज सब पूरा पिला दिया होगा, इसीलिए मोमो यहाँ पर वकालत करने आई है विकास गुप्ती की। बोलती है विकास गुप्ती को अली एंड जैस्मिन बुल्ली करते हैं। भाई बुल्ली को बुल्ली नहीं की जाती, बुल्ली की बुल्ली बजाई जाती है एंड वही जो हो रहा था घर में वो सही हो रहा था। इसको साइड में रखते हैं। जैस्मिनिया तो हर पापा मम्मी क्या बोल दे रहे, अली के साथ लगन नहीं हो पाएगा, अरे बहुत खराब हुआ, अरे भाई हमका दिल टूट गया। भाई ये क्या हो गया, पापा जी आकर कह रहे हैं जैस्मिन को कि बेटा अकेले खेलो, सोलो खेलो, मत खेलो अली के साथ। और अली बेचारा सपने साजन के मना रहा था, लेकिन अब वो बन जाएगा जब तक तुम्हारे पापा जी हाँ नहीं कहते हम शादी नहीं कर सकते, मित्र बन के रहेंगे। अरे भाई मित्र मित्र क्या होता है, अच्छा चरित्र होना चाहिए। हाँ बस तू सिखाएगा चरित्र क्या होगा, सलाह रात को टून हो जाता है पी के। और भाई यहाँ पर ये तो ठीक था, लेकिन कल यहाँ पर रूबीना से महिला है वो मिलने के लिए आएगी एंड वो उसके डिवोर्स के बारे में बात करेगी। तो कल का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला, लेकिन आज का एपिसोड वॉज स्मैशिंग। मैंने कल ही कहा था कि ये जो फैमिली टास्क रहता है वो यहाँ छूना चाहिए। लिटरली ऑफ एवरी वन हु केम, राहुल वैद्य की जो मम्मी आई थी शी वॉज जेन्युइन, हर इमोशंस वर जेन्युइन। राहुल वैद्य भले गाना गा के टाइम पास कर रहा था उसकी मम्मी के सामने, लेकिन उसकी मम्मी इतना जेन्युइन इमोशंस दिखा रही थी, अनलाइक अदर पीपल हु केम यस्टरडे। आज इतना प्रॉपर एक माँ बेटे का एक रिलेशनशिप यहाँ पर राहुल वैद्य और उसकी माँ के दिखने मिला। किस तरह से वो अपनी माँ से इतना क्लोज है एंड ऐसा लगता है कि ऐसे अगर प्यार उसे घर पर मिलता है देन उसका जो शो से जाना था वो वाकई में सही था। अब गाइज यहाँ पर दोनों का इमोशन बाहर आता है। यहाँ पर दिशा की बातचीत होती है, किस तरह दिशा ने एक मैसेज भेजा है, लेकिन गाइज एजाज और उसका जो भाई है इमरान उनका भी इमोशन बहुत ही स्ट्रांग था। एजाज ने रोने पे ज्यादा बातचीत पे कम कॉन्सेंट्रेट किया एंड उन्होंने कहा कि अब से वो अपने पिताजी के साथ रहेंगे, किस तरह से उनके और उनके फादर का एक ब्रोकन रिलेशनशिप रहा है। एजाज खान एक जमाने में बहुत ही खूबसूरत आदमी हुआ करता था, लड़कियां पागल थी, इसने अपनी वाट लगा दी है, लिटरली सड़ चुका है एजाज खान। आज बाथरूम में कपड़ा वपड़ा उतार के यू नो एजाज खान बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मार पीट के उसको बिठा दिया है। कम ऑन मैन, वेक अप ब्लडी, यू आर ऑन अ बिग बॉस शो, यू गेटिंग मनी, फॉरगेट द मनी, ये चांस वापस नहीं मिलेगा एजाज खान, कम ऑन थोड़ा उठो लाइवली हो। लेकिन गाइज ये पूरे के पूरे शो को अगर किसी ने उठाया है यहां से लेके यहां फेंक दिया है तो वो है नन देन टीआरपी क्वीन राखी सावंत। राखी सावंत इज रूलिंग द शो अलोंग विद अर्शिया खान एंड ये दोनों मिलके फाड़ रहे हैं। एंड जब देखो गाइस राखी सावंत और उसकी माँ जो है ना, तुम सब बच्चे हो भी, इन लोग रियलिटी टेलीविजन शो पे ड्रामा करने में मास्टरी, पीएचडी, डॉक्टरेट लंदन यूके सबसे कर आए इसकी माँ और राखी ने। अनगिनत शो टेलीविजन पे मारा मारी की, एक दूसरे से झगड़ा किया, तो इसमें वो महारत हासिल किया उन्होंने। लेकिन आज जब उसकी माँ ने बोला कि मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, राखी जिस तरह से प्रेयर करती है जीसस से वो काफी जेन्युइन लग रहा था। लेकिन मेरा भाई दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, अरे मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती है उनकी एजाज पुनिया की मोहब्बतें। पवित्र पुनिया केम एज अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। मैं अब भी बोलता हूँ पुनिया को वापस भेजो घर में, शी इज लुकिंग गॉर्जियस मैन। एजाज खान एंड पुनिया, एजाज खान तो पूरा पागल हो गया, मोहब्बतें बन गया, बोलता मैं तेरे प्यार करता हूँ, तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे साथ जाऊंगा एंड पुनिया उसको लिप टू लिप किस कर रही है ऑब्वियसली। अरे भाई कांच बीच में साले अंसारी बदतमीज, आ बिग बॉस क्या रे मस्ती चल रही है, चल भग। गाइस यहाँ पर दोनों लिप टू लिप किस करते हैं, बीच में ऑब्वियसली कांच रहता है एंड पुनिया वाज लुकिंग गॉर्जियस मैन। वो एजाज को अपना लेगी, लेट्स सी बाहर क्या होता है, एजाज की सनकती है नहीं सनकती है। मजा आया आज का एपिसोड देख के। अर्शी निगाह
भी पागल है उससे दूर हट जाने का। और रास्ते में वो रहता है ना साइड में से निकलो करके, ये पागल सबको सपोर्ट रही है बैठ कर। वो अभी ना उसको फुल सपाटे में ले रहा है, अभी ना अब बोल रहा है तो वो बोलता है तो वो बोलता है, ये अभी ना 90 दिन के बाद बोल रहा है। मैं 90 दिन से गश खा के बैठा था क्या क्या बोलने का इसको। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई अर्शी राखी, अर्शी वो पूछती है तेरा घर से कौन आएगा, अर्शी बोलती अम्मा आएंगी तो अब्बा आएगी, राखी कहती मेरी शादी तो मजबूरी से हुई। उसका पति कौन है रे, वो रितेश वो टकला वाले का जो उसका स्वयंवर में आया था वो, और हम लोग बच्चे हुआ करते थे, राखी का स्वयंवर होता था। बाप रे, मलिका शेरावत का स्वयंवर, राखी का स्वयंवर, किस किस का स्वयंवर देखे। राखी सावन भाई चैंपियन लोग है रियलिटी टेलीविजन शो के। बच्ची थी वो पहले सीजन में राहुल रॉय के साथ, राखी सावन कैसा दिखती जा देखो जाके, अब कैसी हो गई है। बोलती मेरा पति ना रितेश, मैं उसको बोलूंगी साथ में रहना तो रहना, मतलब जाए यहाँ से। सोनाली जी की बेटी भी आई थी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़की कहूंगा, वेरी सेंसिबल कहूंगा। एंड उन्होंने कहा कि राखी सावंत इज द लाइफ ऑफ द शो, और अब बेटा बहुत सही बोलकर गए हो। हाँ एंड गाइस यहाँ पे काफी डिसेंट था, कोई ड्रामा नहीं था, जेन्युइन लग रहे थे। अब राखी उदास है, कहती मेरी माँ नहीं चल सकती। हाँ अब गाइस यहाँ पर राहुल वैद्य को 11 मिनट मिलते हैं, उसकी आई आती है, बहुत अच्छा लगता है देख के दोनों को। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, दोनों रोते हैं, मराठी में बात करते हैं, बाबा कसा है, हाँ बाबा जेवण नहीं घेत होता आता घेता है क्या जेवण, एंड बहुत अच्छे से बातचीत की दोनों ने। एंड किस तरह से उन्होंने, उसकी माँ ने कहा कि अली और तुम दोनों साथ में रहो, मेरे बेटे को हमेशा हंसाते रहो। एंड अपने बेटे का फेस भी टच करती है, ऑब्वियसली ग्लव्स दिए थे वहां पर। राहुल वैद्य मम्मी के लिए गाना गाता है, इमोशन बहुत ही टची लगता है, कहती है निकी तुझी मैत्रीण है ना, हो आंटी मैत्रीण आहे ती, पण ते सटकेली मैत्रीण आहे, ते सटकले तिचा गुटका ठेवले तोंडात मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर निकी स्पेशल मैत्रीण है, उसकी मम्मी बोलती है। एंड जैस्मिन, जैस्मिन की क्या तारीफ करती है आंटी, जैस्मिन बोलती है आंटी बोलती जैस्मिन बहुत खूबसूरत है, सावली है, सुंदर दिखती है। अरे एजाज को तो मैं समझ में नहीं पा रहा आंटी, एजाज को तुम नहीं समझ सकते, वो एजाज को खुद एजाज नहीं समझ सकता है, ये राहुल वैद्य कहता है। एंड गाइस यहाँ पर राहुल वैद्य दो तीन चीजें तो अच्छी कहता है कि उसकी माँ ने एक सीख दी है कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे रात को नींद नहीं आए, तो वेरी गुड, आई थिंक बहुत अच्छे संस्कार दिए राहुल वैद्य को उसके माँ बाप ने। लेकिन राहुल वैद्य ने शो में काफी गंद भी किया था, ओके घर जाने से पहले काफी बैंड बजा। लेकिन आज का फैमिली एपिसोड था, काफी दोनों का मदर एंड सन का इमोशन काफी अच्छा लगा। एंड गाइस फिर उसकी मॉम जो है वो यहाँ पे सोनाली जी को कैप्टन बना के चली जाती है, तो दो लोग कैप्टनसी के लिए है, एक राखी 2 वोट्स, सोनाली 2 वोट। एंड अब गाइस यहाँ पर जैस्मिन का इमोशन बहुत ही जेन्युइन रहता है ऐसे मोमेंट्स पे, क्या हक करती है राहुल वैद्य, ऐसा लगता है कि बाहर कभी दोस्ती टूटेगी नहीं। जैस्मिन रोती है मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मैं होता ना फक सला चट्टा मार देंगे सला, तुम्हारा इमोशन इमोशन, हमारा इमोशन लूज मोशन, थक थक को पूरा भगा देता था। रो रही बिग बॉस बता रहा भाई फ्रीज, अरे भाई अली तुम भी फ्रीज, राहुल भाई तुम भी फ्रीज, तीनों को फ्रीज कर दिया बिग बॉस ने, फुल कॉमेडी हो रही थी वहां पर। एंड गाइस अर्शी एंड एजाज यहाँ पे झगड़े के कगार पर है, एजाज कहता है अरे मेरा बाप आने वाला है, मैं उसके टेंशन में बैठा हूँ, यह अर्शी आके मुझे परेशान कर रही है। हाँ एजाज का भाई आता है, 14 मिनट देते हैं। एंड जैस्मिन अर्शी मतलब ठरकी औरतें, एजाज का भाई मतलब ठीक ठाक दिखता था, मैं तो लड़की नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आया कैसा दिखता है। अर्शी कहती है हैंडसम दिखता है, एंड जैस्मिन कहती है गुड लुकिंग, तुम लोग क्या रे कदम से। अब दोनों बहुत टूट जाते हैं दूसरे को देखकर, रोते हैं आपस में। एंड एजाज का भाई कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, पापा इज प्राउड ऑफ यू, हाँ अच्छे दिखो, इज प्राउड ऑफ यू। एंड एजाज कहता है कि बाहर आने के बाद हमने पापा के साथ रहूंगा, भाई बोलता है रिलैक्स रे इंजॉय कर, समझ में आ गया। इमरान यहाँ पे राखी को सेलेक्ट करता है, इट वॉज नाइस, अच्छा लगा, सब एजाज को कंसोल करते हैं। एंड एजाज ये बात कबूल करता है कि अपने पिता के साथ 3-4 सालों से नहीं रह रहा, लेकिन अब वो बात करता है। फिर गाइज यू नो सीन ऑफ द यू नो आज का एपिसोड है, राहुल वैद्य एंड राखी सावंत दोनों इमेजिनरी शादी कर रहे हैं, इमेजिनरी सासू माँ बैठी है, उन लोगों से आशीर्वाद ले रहा है। इसी दिन हम लोग कभी टाइम पास में करते थे, फुल ऑन चल रहा है, राखी सावंत को मस्त छोड़ दिया अंदर, जो करना है करो। हाँ राखी कहती है ये ना मेरा पतीला है, पति नहीं है, चलो फेरे लेंगे। तो राहुल वैद्य कहता है चलो आज हमारी फर्स्ट नाइट है, उसको सुहागरात मनाना है। राखी बोलती है ये क्या सुहागरात नहीं मनाऊंगी मैं, समझ में आ गया।
हाँ? अब रूबीना यहाँ पे कहती है अर्शी खाना खिलाना सवाब है। अर्शी वहां टॉन्ट मार रही है मियाँ बीवी को खाने के ऊपर लेकर। हाँ बोलती है खाना खिलाना सवाब है, हम लोग को टॉन्ट मत करो, अच्छा वाला खाना मत बनाना। अभिनव कहता है रूबी रिलैक्स, अकॉर्डिंग टू माई थियोरी वी कैन कुक न्यू फूड। निकी कहती है वो हमको टॉन्ट कर रही है, नया नया एक नी वाले में टॉन्ट कर रही है। रूबीना कहती है आई एम रियल आई गॉट हर्ट। हाँ अर्शी कहती है मैंने उसके हाथ से खाना थोड़ी ना छीना था, सिर्फ बोला है ना उसको। अब अलिया टाइम पास कर रहे हैं, जैस्मिन तू बदल गई है, उनका चोमू रोमांस चलता रहता है। अब गाइज यहाँ पर अर्शी कहती है रूबीना मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था, मैं माफी मांगती हूँ। अब गाइज यहाँ पे गाना बजता है हमदम विवेक ओबेरॉय का गाना बजता है। एंड यहाँ पर गाना बजने के बाद अभिनव फुल ऑन अर्शी की बैंड बजा रहा है, कहता है कि अरे बगरा चूल्हा साफ कर दो। हाँ न वो अर्शी कहती है औकात में रहे अपनी, समझ में आया। अभिनव कहता है चल चल निकल, समझ में, तेरे से बात नहीं करता हूं मैं, जिगरे में दम, हम जिगरे में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हाँ अर्शी कहती है तुम एक नंबर का वाहियात आदमी हो। अभिनव बोलता चल एक काम करता हूँ, मैं तेरा काम करता, तू चल अंदर मेरा बैग पैक कर। उसको अंदर लेके आता है, बैग पैक करने के लिए देता है। अब गाइज यहाँ पर शुरू होता है अंगूरी महिला कांति शाह के अंगूर, देखा तुमने कांति शाह के अंगूर। यहाँ पर अभिनव कहता है मैं आज राखी को साड़ी पहनाऊंगा। राखी कहती है आज अभिनव के हाथ से साड़ी पहनकर मैं तृप्त हो जाऊंगी। भाई क्या चल रहा है, मस्ती पिक्चर देखी है। अर्चना पूरन सिंह बोलती है साले पॉपकॉर्न खिला के सॉफ्ट दिखा रहा है। फुल यहाँ पे मस्ती चल रही है। राखी सावंत सिटिंग इन अ ब्लाउज ऑन नेशनल टेलीविजन बेंडिंग एंड मूविंग हियर एंड देयर इज नॉट अ गुड साइट फॉर द आईज ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ पर एजाज सब थोड़ा पागल एजाज नजर बट्टू रहता है ना, एजाज बट्टा ऐसा वो कचरा रहता है ना लगान में, ऐसा ऊपर नंगा रहता है, नीचे चड्डी वड्डी पहन के खड़ा रहता है, कोने में बैठ गया। एजाज बोलता है ये साड़ी है, ये तो शॉल लग रही है। शॉल पहना रहा, अभिनव कहता है आइए राखी जी आज मैं आपको साड़ी पहनाऊंगा। हाँ अर्शी कहती है तू एक काम कर राखी, तू है ना अभिनव के साथ लव एंगल बना दे। राखी बोलती है हाँ मेरे तो मन करता है लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आता। अर्शी के कप के ऊपर क्या लिखा हुआ था, बेगम। वो गलत स्पेलिंग लिख दिया बाबा, वो बेगम नहीं था, वो बलगम लिखने का था, वो बेगम लिख दिया लोग ने। अब गाइस यहाँ पे राखी की माँ आती है, फुल हॉस्पिटल में बैठी है, ऐसा बैठी है राखी हाँ प्रेज द लॉर्ड मम्मी प्रेज द लॉर्ड मैं हॉस्पिटल में हूँ राखी, 3 दिन हो गया, स्टमक में ब्लीडिंग है, टेंशन मत ले राखी, राखी प्रभु से प्रार्थना कर, इतना अच्छा खेलती कैप्टन बन जा, तेरा पति ने मेरे को एडमिट किया। राखी बोलती पति ने एडमिट किया, चरण स्पर्श करो मेरे पति को। हाँ मैं उपवास रखूंगी मम्मी, हाँ मेरा हस्बैंड बहुत प्यारा है ना। और राखी की माँ फुल इमोशनल हो जाती है, कहती रूबीना बहुत अच्छी है, उसका पति भी बहुत अच्छा है। राखी बोलती मेरे पति को बोलना आने के लिए, पति को बोल। अब विकास गुप्ता ने जो मुंह बनाया था उसको पता है ये दोनों माँ बेटे का चलता रहता है, कभी रियलिटी शो में राखी उसकी माँ को घर से निकाल देती है, कभी राखी की माँ रोते रोते आती कोई शो पे, एंड यहाँ पे थोड़ा जेन्युइन लग रहा था। अब अली कहता मैं नमाज पढ़ूंगा आपके लिए 3 टाइम की नमाज। भाई अली कौन से 3 टाइम की नमाज पढ़ते हो तुम, बाकी 2 टाइम गायब। हाँ 3 टाइम की नमाज पढ़ूंगा मैं कल। हाँ वो बोलती है राखी 12 की प्रार्थना करती है, हे प्रभु हाँ वो आपकी बेटी है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसके डायबिटीज ना बढ़े, आई बेग इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ अब गाइस यहाँ पे रूबीना को 13 मिनट मिलती है, एंड नैना करके कोई लड़की आती है जो कल उसके जीजू के बारे में बात करेगी एंड डिवोर्स के बारे में बात करेगी। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, राखी सावंत स्टोल द शो अवे। जो साड़ी वाला सीन था मैं बयान नहीं कर सकता क्या है, तुम लोग देखो राखी सावंत कैसे ब्लाउज पहन के बैठी है वहां पे, पागल हो जाएगा ऐसा इसके। और ये सब आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आया प्लीज आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज म्यावर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, एंड कल मोमो आने वाली है तो मजा आएगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।